नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Redmi A3 versus Vivo Y17s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Redmi A3 में 6.63 इंच जबकि Y17s में 6.44 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Redmi A3 से कम है। विड्थ की बात करें तो Redmi A3 में 3 इंच जबकि Y17s में 2.97 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Redmi A3 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Redmi A3 में 0.33 इंच जबकि Y17s में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Redmi A3 में 193 ग्राम जबकि Y17s में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Redmi A3 में 6.7 इंचेस जबकि Y17s में 6.56 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Redmi A3 में 720x1650px HD Plus और Y17s में 720x1612px HD Plus मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Redmi A3 में 83.14% जबकि Y17s में 84.17% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Redmi A3 में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है और Y17s की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Redmi A3 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Y17s की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Redmi A3 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Y17s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Redmi A3 में PowerVR GE8320 जबकि Y17s में Mali-G 52 Megacoolant Blue मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Redmi A3 में MediaTek Helio G36 और Y17s में MediaTek Helio G85 मिलता है। बात करें RAM की तो Redmi A3 में 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 3GB, 4GB, 6GB की RAM मिलती है, जबकि Y17s में एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 2 विकल्प देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V13 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Redmi A3 में 3 कलर्स जबकि Y17s में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Redmi A3 में 3 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ ₹7,299, 4GB RAM 128GB स्टोरेज के साथ ₹7,999,
6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 8999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Y17S की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ 10,499 रुपीस, 4 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,274 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो Xiaomi Redmi A3 में 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करिए Vivo Y17S की तो उसमें 7 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Y17S आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y17S आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें नथिंग फोन 2A 5G है, दूसरा सैमसंग गैलेक्सी M14 4G है, तीसरा ओप्पो K12X 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी नाजो N65 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।